हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं दीपक कुमार पटेल। आज के इस 45-40 डिग्री टेम्परेचर को देखने के बावजूद भी लोग यह नहीं समझते हैं कि क्या करते हैं वृक्ष हमारे लिए। वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आज मैं बताना चाह रहा हूं कि वृक्ष क्या करते हैं हमारे लिए। ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। वृक्ष से हमें शुद्ध वायु के रूप में प्राण वायु की प्राप्ति होता है। जंगल के क्षेत्र से गुजरने वाले को छाया मिलता है, जंगल में पर्यटन मिलता है। इस तपती धूप में ही लोगों को जंगल का पर्यटन क्षेत्र याद आता है। ग्रामीणों को रोजगार की उपलब्धि होता है। भू अनुपज के रूप में फूल, पौधे, पत्ती, जलाऊ लकड़ी इत्यादि की प्राप्ति होता है। अनेक प्रकार के वन औषधियों की प्राप्ति होता है। अनेक प्रकार के कच्चे माल की प्राप्ति होता है। जल स्तर में वृद्धि होता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। पर्यावरण में नियंत्रण होता है। गर्मी में नियंत्रण होता है। दीर्घकालिक बाढ़ और सूखा में नियंत्रण होता है। जंगल से ही जलवायु पर नियंत्रण रखा जा सकता है। जंगल में अनेक प्रकार के पशु पक्षियों का वास होता है। विविधता के लिए बहुत ही आवश्यक है। जंगल से ही रेगिस्तान के प्रसार पर नियंत्रण किया जा सकता है। सही बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाया जा सकता है। इन सारे कारणों से जंगल वृक्ष हमारे लिए लाभदायक हो। तो दोस्तों, बिना सोचे इस वर्ष बारिश में कम से कम 5 पौधा लगाएं और उसे सुरक्षित रखने का वादा करें और यही नियम प्रतिवर्ष पालन करें और दूसरे लोगों को भी बताएं ताकि हमारा धरती पर्यावरण हरा भरा बन सके, जिससे टेम्परेचर में कमी आ सके। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य को समझ चुके होंगे और वीडियो को अंतिम तक देखे होंगे। यदि इस वीडियो से आपको जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।